मुंबई का बड़ा ड्रग पैडलर जैद विलात्रा को आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो एनसीबी की एक बहुत बड़ी जीत हुई। जैद विलात्रा को एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया है। 9 सितंबर तक जैद जो है वो एनसीबी की रिमांड में ही रहेंगे, उनकी कस्टडी में ही रहेंगे। आपको बता दें कि आज जैद विलात्रा का जो स्टेटमेंट था उसमें दावा किया जा रहा है कि कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। ऐसे में कोर्ट ने जब जैद को कस्टडी में भेजने को कहा तब कोर्ट ने यह भी साथ में कोर्ट किया कि जैद विलात्रा को अगर छोड़ते हैं तो एविडेंसेस को काफी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। ये मामला ड्रग से जुड़ा है इसीलिए इसको इतना इजीली नहीं ले सकते हैं। माना जा रहा है कि जैद विलात्रा से बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। जैद के साथ साथ अब्दुल बसित को भी एनसीबी ने अरेस्ट किया है। इन दोनों ने ही एक बात कबूली है कि ये दोनों शौविक को जानते थे, शौविक को ड्रग्स दिया करते थे। शौविक ने ही इनकी मुलाकात सैमुअल मिरांडा से करवाई थी और ये शौविक को काफी बार ड्रग्स डिलीवर कर चुके हैं। सिर्फ शौविक को ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई जगह पर ड्रग्स पहुंचाने की जिम्मेदारी जैद की ही थी। जैद ने इस बात को कबूला है कि मुंबई में अंधेरी, लोखंडवाला, जुहू में जितनी भी पार्टीज होती है वहां पर जैद ही ड्रग्स पहुंचाता है। साथ ही बांद्रा के भी कई एरियाज में जैद ही पार्टीज में ड्रग्स को डिलीवर करता है। ऐसे में जैद को वो सभी अड्डे पता है जहां पर ये ड्रग्स पार्टी होती है, उन सभी लोगों के नाम पता है जो ये ड्रग्स मंगवाते हैं और इन पार्टीज में कौन कौन लोग होते हैं इनका भी खुलासा हो सकता है। जैद विलात्रा एनसीबी के पास 9 सितंबर तक रहेंगे और माना जा रहा है कि हर दिन इस मामले में बहुत अहम खुलासे होंगे। काफी लोगों के नाम आ चुके हैं, लिस्ट बन चुकी है, हालांकि इस लिस्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, ओपन नहीं किए गए हैं नाम। लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह से खलबली मची है, बॉलीवुड में अचानक से जो रुख बदला है, बॉलीवुड अचानक से जो रिया को बचाने के लिए आया है और जिस तरह से कंगना रनौत के खिलाफ आ गया है, उससे ये बात साफ साफ पता लगती है, ये आने वाले तूफान से पहले की सावधानी है जो बॉलीवुड वाले बरत रहे हैं, चाह रहे हैं कि एक एक्ट्रेस जो हमारे बारे में इतने खुलासे कर रही है, अगर उसी को इस बॉलीवुड से दूर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो फिर हम सब बच सकते हैं। आपको बता दें कि कई इंसाइडर्स ने इस दौरान इंटरव्यूज दिए हैं और इस बात को कंफर्म किया है कि करीब करीब सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते ही हैं।